हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन है रीडिंग का आपको ज़रूर मिले। तो ये जो 88 पोर्टल चल रहा है बिल्कुल 26 तारीख तक ये रहेगा, और 8 तारीख को इसकी एनर्जी बहुत पीक पर थी और ये काफ़ी सालों बाद आया था 888 का पोर्टल, ठीक है ना? तो काफ़ी ऐसी एनर्जीज हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, जर्नी में है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए महाकाली का मैसेजेस, क्योंकि मेरे को सुबह महाकाली माँ ने मेरे को आज बोला कि आज तो बता दे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ बच्चों से। तो माँ आपसे बहुत प्यार करती हैं, तो ओम क्रीम कालिकाए नमः, ओम क्रीम कालिकाए नमः, ओम क्रीम कालिकाए नमः। शुरू करते हैं माँ के मैसेजेस आप लोगों के लिए। ट्रोमा नगमो, ठीक है, 6 नंबर, और मैं इनको अच्छे से जस्टिफाई भी करूँगी कि माँ आपसे क्या कहना चाहती है एक्चुअल में। ब्लू तारा 17 नंबर 8, है ना? और एक कार्ड और लेंगे हम, कालिका तंत्रा, यानी 6 नंबर। तो 666 यहाँ पर, 6 यहाँ पर 6 8 6 नंबर आ गया है। और बॉटम ऑफ द डेक है काली कलमसा नाशिनी, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम देखेंगे अब टैरो से माँ आपको एक्चुअल में क्या कहना चाहती है। वैसे तो माँ आपको ये बोलना चाहती है कि आपके अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी किसी के ऊपर गुस्सा है, कुछ भी आ रहा है, कुछ ऐसे पास्ट लाइफ के जो भी आपके कार्मिक्स थे, जो आपके आसपास हैं, अभी आप उनसे अपना कर्मा बैलेंस कर रहे हो, ट्रिगर मिल रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आप बढ़ नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है कुछ लोगों की वजह से, जो आपके कार्मिक पैटर्न चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर माँ आपको ये समझाना चाह रही है कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, बहुत गुस्सा हो सकता है, ऐसा मन करता है कि सबको ना तलवार लेके कट 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 कर दूँ, ऐसा आपके अंदर हो रहा है गाइस, ठीक है? हो रहा था या हो रहा है। तो अभी अभी जो मैसेज मेरे को माँ से मिला वो यही मिला कि आपको थोड़ा सा रिकंसिडर करना है चीज़ों को, फिर से सोचना है, समझना है अपनी चीज़ों को कि भाई मैं कहाँ पे गलत, तो हो सकता है भाई मैंने पिछले जन्मों में या मैंने कभी इससे कुछ गलत किया, या कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि मैंने कुछ गलत किया था तभी मेरे को ये ट्रिगर मिल रहे हैं, मेरे को क्यों मिल रहे, क्वेश्चन आपके आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता आ रहा है। मैंने तो सबकी मदद करी, मैं बहुत ही काइंड हार्टेड हूँ, कंपैशन है मेरे अंदर दूसरों के लिए, फिर भी मेरे साथ ये सब कुछ गलत होता आया है, पर क्यों, ऐसा क्यों? तो आपको माँ ये बोल रही है आपके कर्मा भी इनके साथ हैं या थे, या आप रिजॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 धीरे, वन बाय वन आपके कर्मा रिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक है? और प्रेजेंट मोमेंट में आपको माँ ये कह रही है कि काम हो जाइए, शांत हो जाइए, ठीक है ना? आप बहुत ही दिव्य आत्मा हैं, आप मेरे बच्चे हैं, आपके अंदर वो कामनेस होनी चाहिए, वो शांति होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें कुछ चीज़ें गलत लगती हैं तो हमारे अंदर का जो क्रोध रूपी ज्वालामुखी है वो कहीं ना कहीं बाहर निकलने को होती है, और जब लावा फूटता है तो बहुत ही सत्यानाश हो जाता है। यानी कि माँ ये कह रही कि उस गुस्से को आप बहुत तरीके से यूज़ करो, उसको अपने अंदर खराब मत करो, अपनी सोल लेवल, आप अपनी सोल को प्योरीफाई कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अपने सोल लेवल पे आप अपने आप को इवॉल्व कर रहे हो, असेंड कर रहे हो, प्योरिफिकेशन चल रहा है आपका, तो उस चीज़ में आपको आपके फिर से वो कर्मा क्रिएट ना हो, है ना? गुस्सा ठीक है, गुस्सा होना चाहिए, लेकिन गुस्से का यूज़ कहाँ करना है ये आपको पता होना चाहिए, माँ ये कह रही हैं। जैसे माँ ने राक्षसों का नाश किया था तो
एक वक्त था, एक पर्टिकुलर टाइम था कि माँ को ये रूप धरना पड़ा था उन राक्षसों का नाश करने के लिए, एक गुस्सा लाना पड़ा था अपने अंदर ताकि, और ये भी माँ का उद्देश्य था कि मेरे हाथों से मरेंगे तो इनको भी, इनकी भी मुक्ति होगी। तो ये माँ के लिए सबके लिए ममता है, दया है ना, कंपैशन है। तो आपको क्या करना है, माँ ये कह रही हैं कि आपको इतना गुस्सा नहीं होना है क्योंकि भविष्य में आप, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर आप कहीं गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। आपका गुस्सा इतना, आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इतना सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा जिससे कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। आपको डिवाइन का हाथ थामना है, आपको ईश्वर का हाथ थामना है, आपको माँ का हाथ थामना है। माँ से बोलो कि, माँ से प्रेयर करो कि माँ ऐसे ऐसे है मेरी लाइफ में, ये सब मैं आपको सरेंडर करता हूँ या करती हूँ, यहाँ पर मेरे को ये एनर्जी आ रही है, और माँ आपकी हेल्प के लिए पूरी तरह से रेडी हैं क्योंकि माँ चाहती हैं कि आप मुझसे बोलो अपने मन की बात, है ना। तो ये माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आपके अंदर जो गुस्सा था पिछले जन्मों का या इस जन्म में भी, आप वो गुस्सा उबल उबल के आ रहा है आपको लोगों के प्रति, तो कहीं ना कहीं वो आपका पिछले जन्म का कुछ इन लोगों से कर्मा बना था, तो इस कर्मा को ही आपको बैलेंस करना है। ये माँ ने मेरे को अभी डाउनलोड किया आप लोगों के लिए। तो माँ ये कहना चाहती है आप शांत दिव्य आत्मा है, आप शांत रहिए, मैं करूँगी जो करना है मुझे, ठीक है ना। इसको और भी हम देखेंगे माँ आपसे और क्या कहना चाहती है, ठीक है। माँ ये कह रही है कि जो भी नेगेटिविटी है उसको कट कर दीजिए अपनी लाइफ से और एक नई शुरुआत कीजिए। जो भी आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है, जो भी आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है उसको कट कर दीजिए, तभी एक नई शुरुआत आपकी होगी, तभी आप शांत हो जाएंगे, तभी आप शांति पीस को फील करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छे से माँ बोल रही है क्योंकि दो कार्ड आए थे और ये कार्ड भी ये बताता है कि इस नेगेटिविटी को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आपकी एक नई शुरुआत होगी। ओके, कैसे, आप जो भी आप चाहेंगे, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, जो भी आप चाहते हैं, पीस चाहते हैं, सबको पीस चाहिए अपनी लाइफ में, सबसे पहले पीस चाहिए। पीस कहाँ होता है, अंदर होता है। अगर अंदर पीस है तो बाहर भी पीस है, सब कुछ अच्छा लगता है। अगर अंदर पीस नहीं तो बाहर कहीं भी चले जाओ भाई, कहीं पीस नहीं है। तो अगर आप अपने पर्सन को लेके परेशान, तो माँ कह रही है कि आपको बहुत ही शांत और एक सम रहना आना चाहिए, एक ऐसी एनर्जी में जो बिल्कुल शांति चाहती है, बिल्कुल वो सोल, सोल की आवाज़ की बात कर रही हूँ कि एक पीस चाहिए, है ना। तो आपके पर्सन भी ऐसा नहीं है, उसी पीस में यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन, आप जिससे भी डील कर रहे हैं, आप जो भी आपके पर्सन है, कहीं ना कहीं अगर आप ये नेगेटिविटी को छोड़ देंगे, ये ओवर थिंकिंग को छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी एक अच्छी एनर्जी में आते हुए मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं प्रेजेंट में। एट प्रेजेंट यहाँ पर ये है, और अगर आपके साथ ये हो रहा है, हो रहा था, कहीं ना कहीं पास्ट की थोड़ा सा ये एनर्जी मेरे को दिख रही है, आपके पास्ट लाइफ की या रिसेंट पास्ट में भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ। ओ माय गॉड, तो ये कार्ड आया है, इस कार्ड से भी हम देखते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में माँ सेलिब्रेशन चाहती है, सेलिब्रेट आप करोगे हर चीज़ को, आपको सेलिब्रेट करना है अपनी हर एक, ईच एंड एवरी सेकेंड आपको बहुत ही अच्छा फील करना है ना। आपको ऐसी फीलिंग आएगी, बहुत ही फ्रेश फील करने वाले हो आप, है ना। और माँ ये भी कहती है कि ये भी चाह रही है कि आप जब शांत हो जाओगे, आप मेडिटेशन में बैठोगे, आप अपने अंदर की ज्वाला को, अपने अंदर के गुस्से को, है ना, चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुंडलिनी शक्ति आपके ऊपर आ रही है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपकी सफाई चलती जा रही है। तो अगर आपके अंदर वो गुस्सा है, वो नेगेटिविटी है, वो कहीं ना कहीं सरफेस हो रही है, उसको रिलीज़ होने के लिए आपको अलाउ करना है और आपको रिलीज़ करना है। तो ये जो थर्ड थर्ड पार्टी
तो थर्ड पार्टी की वजह से भी अगर आप परेशान हैं तो थर्ड पार्टी की वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका कर्मा है और जब तक वो आपके पर्सन के साथ पूरा नहीं होगा उस थर्ड पार्टी का कर्मा, तो वो आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में, है ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो माँ ये भी कह रही है कि आपको हर पल हर घड़ी अपनी लाइफ को क्या करना है, सेलिब्रेट करना है। कालिका तंत्रा, कालिका तंत्रा आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि हर डर के बाद जीत है, हर डर के आगे जीत है। आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही पावरफुल हैं, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्षमता, ऐसी पावर्स हैं जो आप सब कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। आप अपने आप को कम मत समझिए, आप अपने आप को, अगर आपको कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आपको डिस्करेज करते हैं, है ना, तो बिल्कुल अपने आप को एनकरेज कीजिए, अपने अपने कंधे को थपथपाइए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लव्ड बाई द यूनिवर्स, डिवाइन मदर, डिवाइन, है ना, मैं भगवान का बच्चा हूँ, और ये अबंडेंस आपकी लाइफ में है, ये ग्रोथ है, ये सब कुछ आपकी लाइफ में माँ देना चाहती है, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में लाना चाहती है। बस वो क्या कहना चाह रही है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलो। आप अगर इस एनर्जी से बाहर निकल, अपने ही सोच के कारण अपने ही लाइफ में आप परेशान हो रहे हो और ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये जो माँ कहना चाह रही है, ट्रॉमा, कोई भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन है आपकी, तो उससे आप बहुत जल्द बाहर निकलोगे, क्योंकि एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में, अपने सोच से आप बहुत अच्छे से बाहर निकल, अपनी जो नेगेटिव सोच है, नेगेटिव जो आपने थिंकिंग अपने अंदर पैटर्न्स बना लिए हैं एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड में, है ना, माइंड सेट कर लिया आपने कि ये मेरे साथ होगा, ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे करेंगे, ये वैसे करेंगे, किसी भी लाइफ के एरिया में आप देखो कहाँ पे है, ठीक है ना। तो माँ ये आपसे बोलना चाह रही है कि इसने ये थोड़े टाइम का आपकी लाइफ पे था ग्रहण, तो ग्रहण कोई हर वक्त थोड़े ना, 2-4 घंटे का, कुछ टाइम का होता है, तो ये चीज़ आपकी लाइफ से निकल जाएगी, है ना। तो बस आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको ज़्यादा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले रखी है अपने कंधों पे, या बहुत ज़्यादा लोगों की सोच आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, आप अपने ऊपर ही उसका बर्डन ले रहे हो, तो ये भी चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि ओवर थिंकिंग तो चल रही है गाइस, ये तो है, ओवर थिंकिंग तो चल रही है। आगे माँ आपसे क्या कहना चाहती है, एक कार्ड में माँ का लिंक लेना चाहती हूँ। आगे आप संतों, उन्होंने दिखा दिया कि भाई लाइफ में आपके अबंडेंस है, बस आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, ऐसी एनर्जीज जो भी आपके अंदर की, वो आप ही के अंदर की हैं, उनको हील करना है गाइस, तो हील कीजिए। और फिर आती है भवतारिणी, क्या बात है, जय माता दी। फिर उसके बाद है बटा अंदर रखे मातंगी माँ, पतंगी माँ आपको ये बताना चाहती हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो सब दिल से कनेक्टेड हैं। अगर आप दिल से सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, ठीक है ना, आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो दिल से सोचिए, ठीक है ना। भवतारिणी, आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, आप मेरी तरह है, माँ कह रही हैं, आप बिल्कुल मेरी तरह है, आप एक बहुत अच्छी सोल है, आपके आपको जिस लिए मैंने यहाँ भेजा धरती पर, आपको जो काम करना है वो करना है, उससे डरना नहीं है, उन सब चीज़ों से भागना नहीं है, वो जो भी चैलेंजेस आपके सामने हैं उन सब वो चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने हैं, और क्या करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में ये खुशियाँ, ये सब कुछ मैं लेकर आ रही हूँ, अबंडेंस, ये ग्रोथ, ये सब कुछ लेकर आ रही, क्योंकि 44 नंबर यानी कि आपकी फाउंडेशन जो लाइफ में आप चाहते हो बहुत ही मजबूत होने वाली है। आप एक्शन लीजिए, मैं आपके साथ हूँ, अच्छी एनर्जी के साथ, ठीक है ना, मेहनत कीजिए, मेहनत का फल मैं ज़रूर दूंगी। तो ये माँ आपके लिए एक संदेश लेकर आई कि मेरे बच्चों को क्या ज़रूरत है ना, आपकी पर्सन भी आपकी लाइफ में वो बिल्कुल आएंगे, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे तो बिल्कुल सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली, है ना, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ठीक होती चली जाएंगी, क्योंकि आपके आप अपनी अच्छी एनर्जी में आ चुके हो, है ना, जैसे आप हीलिंग कर रहे हो कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, मेडिटेशन से, कैसे भी आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कर लिया, तो फिर ये एनर्जी कैसे अट्रैक्ट नहीं होगी, माँ ये कह रही है,
ठीक है, गुस्से पर नियंत्रण रखिए, गुस्से को सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। थैंक यू गाइज, अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माँ काली, जय श्री राधे।